नमस्ते दोस्तों, अभी हम लोग निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए चिला डैम वाले रास्ते पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंट्री पॉइंट पे गाइज आपको टिकट लेना पड़ेगा। चिला डैम वाला रास्ता राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर आता है, तो अगर आप लक्की हैं तो आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के भी दर्शन हो सकते हैं। बेसिकली ये वो जगह है जहाँ से राजा जी नेशनल पार्क के लिए 40 किलोमीटर का ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। ट्रैकिंग पॉइंट के जस्ट आगे में एक रेस्टोरेंट है, और हमारे ड्राइवर ने बताया है कि इसके आगे ऋषिकेश पहुंचने तक हमको कोई भी और होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। तो हमने वहां से कुछ पानी की बॉटल और खाने के लिए रख लिया था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद आपको एक नदी दिखाई देगी जिसका पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, और आप जैसे ही नदी को क्रॉस करते हैं आगे में आपको चिला डैम दिखाई देने लगता है। तो ये वाला चिला डैम का कैनाल है, और राइट साइड में आपको चिला डैम दिखाई देने लगेगा। गाइस आगे में जो दिख रहा है यही है चिला डैम। अनफॉर्चुनेटली चिला डैम क्लोज था और गर्मी भी ज़्यादा थी, इस वजह से हम लोग यहाँ बिना रुके निकल गए। डैम के पास वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे नेहा कक्कर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए फोटोशूट किया था। जैसे ही आप चिला डैम क्रॉस करते हैं आपको इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ पे रोड और कैनाल दोनों साथ साथ नज़र आएंगे जब तक कि आप ऋषिकेश नहीं पहुँच जाते। जैसे ही हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं सडनली हमारे ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक दी, जहाँ पे हमने देखा कि एक 12 सिंगा अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहा था। और ये देख करके तो दिन ही बन गया आज हम लोगों का। हमारे ड्राइवर ने बताया कि हम बहुत ही ज़्यादा लक्की हैं, इस वजह से हम 12 सिंगा देख लिए, क्योंकि बाकी जानवर तो जनरली दिख जाते हैं बट 12 सिंगा बहुत ही रेयर केस में आपको दिखाई देगा। शायद उसने हमें देख लिया है और वो वहां से जाने लग गया। यह नज़ारा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जू के अलावा हमने 12 सिंगा को इस तरीके से देखा है। हम उसको तब तक देखते रहे जब तक कि वो चला नहीं गया, और उसके जाने के बाद हम लोग भी अपने ऋषिकेश वाले रास्ते पे आगे बढ़ गए। इस बार रास्ता और भी खूबसूरत लगने लगा था। कि मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, ये कहावत इन रास्तों के लिए पूरी तरीके से फिट बैठती है। खूबसूरत रास्ता और नज़ारा देखते देखते हम कब ऋषिकेश पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश या ऋषिकेश से हरिद्वार आते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा चिला डैम वाले रास्ते से आने के लिए। तो जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं आपको सामने ही दिखाई देगा एम्स ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद एक अलग ही वाइब फील होने लगती है। फिर हमको वहां पे एक होटल दिखा तो हम वहां पे रूम पता करने के लिए चले गए। होटल तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड था, होटल बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन था। फिर होटल के बालकनी से जो मैंने नजारा देखा वो देख करके तो मैं हिप्नोटाइज ही हो गया था। वाह, इस जगह पे हैं हम लोग और ये काफी अच्छा व्यू है। तो त्रिवेणी घाट कौन सा है इसमें, किस एरिया साइड आएगा? सर ये मरीन ड्राइव है। अच्छा ये जगह मरीन ड्राइव है। ये मरीन ड्राइव है, ये कंटिन्यू जा रहा है, एंड पे बैंड दिख रहा है ना। अच्छा, उससे 100 मीटर पे है त्रिवेणी घाट। ये खूबसूरत नजारा देख करके तो हमको ये मालूम पड़ गया था कि अगर हम इस होटल में रुकेंगे तो इस पूरे ट्रिप का बजट इसी होटल में चला जाएगा। फिर क्या, हमने यू टर्न लिया और चले गए दूसरे ऑप्शन देखने के लिए। थोड़ी दूर आगे जाते ही हमें एक आश्रम दिखा, श्री गणपति सच्चिदानंद आश्रम।
और ये एक बेस्ट ऑप्शन था हमारे रुकने के लिए। यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ 2000 रुपये में एक फैमिली रूम हमको मिला, जो कि काफ़ी बड़ा था और ये हमारे 6 लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। फिर थोड़ा फ्रेश होने के बाद और खाना खाने के बाद मैं, गिरिजा और नीवा निकल जाते हैं घूमने के लिए। आश्रम के ठीक सामने में रोड क्रॉस करने के बाद एक फेमस जगह है जिसको 72 सीढ़ी बोला जाता है। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद आपको सामने में इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखने लगेगा और ये रास्ता आगे सीधे त्रिवेणी घाट के लिए जाएगा, जो कि यहाँ से 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जगह जगह आपको इस तरीके से व्यू पॉइंट नज़र आएगा, जहाँ पे आप फोटो सेशन कर सकते हैं और गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं। इस जगह को आकर के नीवा काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हम त्रिवेणी घाट पहुंच जाते हैं, जो कि ऋषिकेश का एक बहुत ही फेमस जगह है। इस जगह को त्रिवेणी घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी घाट में गंगा स्नान के अलावा यहाँ पे गंगा आरती बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसे देखने के लिए सारे डेवोटीज यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे गंगा आरती सुबह और शाम दोनों टाइम होती है और अब गंगा आरती देखने के लिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ पे बढ़ने लगी है। हमें बताया गया कि गंगा आरती शाम के 6:30 बजे स्टार्ट होने वाली है और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग गंगा आरती के लिए किस तरीके से वेट कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, किसी भी तरीके से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और हम आपके लिए इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना करके लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है पर हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गंगा आरती के लिए। अनाउंसमेंट हो चुका है तो गंगा आरती कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो चलिए अब हम सब लोग एंजॉय करते हैं गंगा आरती। Yeah.
दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऋषिकेश के कुछ अमेजिंग प्लेसेस, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।